हाय फ्रेंड, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीम फिल्म हिंदी रचनाएं। फ्रेंड, आपको कुछ न कुछ जानकारी देता रहता हूं, तो आज मैं मौजूद हूं हौसला प्रसाद चौरसिया जी के खेत में और उनसे मुलाकात करेंगे और वो बताएंगे मेंथा की खेती के बारे में पूरी जानकारी, कैसे उसको तैयार किया जाता है और कैसे उसकी मार्केटिंग होती है। तो जो दर्शक अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हम मिलते हैं हौसला प्रसाद चौरसिया जी से जानकारी। तो आज हम हमको किस चीज़ की जानकारी देंगे? आपको पिपरमिंट के बारे में। पिपरमिंट मतलब मेंथा की जानकारी। अच्छा, ये सबसे पहले आप बताइए, मेंथा की खेती करना हो तो कैसे करते हैं इसे? हम मान लो हमको एक बीघा, ज़्यादा नहीं, एक बीघा खेती करना है मेंथा की। जी जी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें भैया? शुरुआत का मेन वो होता है, जैसे आप ले लीजिए जनवरी में, जनवरी महीना। हाँ, जनवरी में इसका वो जड़ जो होती है मार्केट में बिकती है। अच्छा। या किसान भाई रखते हैं खेत में। अच्छा अच्छा। तो उसको कहाँ मतलब खरीद ली जाती है। हाँ। एक बीघे में 4 किलो लगता है, 4 उसकी। हाँ, जड़। अच्छा। तो इसको कहाँ मतलब मशीन में काट लिया जाए चारा काटने वाली। हाँ। या हाथ से? अच्छा, मतलब उसका छोटा 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 अंश काट के, मतलब लगभग 1-1 इंच का, और काट के उसको मतलब खेत में पानी भर के थोड़ा सम करके और उसमें छीट दिया जाता है। छोटा छोटा करने से क्या होता है, मतलब मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा। हाँ, मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती। अच्छा। है और उसमें का मतलब जो भी जैसे बड़ा अंकुर रहेगा। हाँ। तो जामिनेशन में थोड़ा फाल्ट आ जाता है जी, और छोटा छोटा रहेगा तो पूरा हर अच्छा जामेगा। तो कितने खेत में इसको करेंगे? मान लीजिए रहा आपको 4 किलो डालना है एक बीघे के लिए, तो कहाँ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा कहाँ मतलब 5 फुट लंबा, अरे 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा इतने खेत में आ जाएगा। अच्छा, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा। हाँ, लगभग 5 यानी कि 20 मीटर लंबाई चौड़ा। अच्छा, हमारे किसान भाई को समझाना हो तो लगभग कितना, 1 बिस्सा या 2 बिस्सा? नहीं नहीं, बिस्सा नहीं, वो तो मान लीजिए आधा बिस्सा के लमसम। हाँ हाँ, उसमें 1 बीघे से 1.5 बीघे तक पड़ जाएगी। अच्छा, तो उसमें इसको क्या करेंगे? तो उसमें पानी भर के छीट दिया जाए। अच्छा। ऊपर से का मतलब मिट्टी डाल दिया जाए या उसको इसे दाब दिया जाए, वो जो होता है। अच्छा, थोड़ा सा। हाँ। चिपका दें उसको, चिपका दें। हाँ, थोड़ा सा इसे का मतलब झाड़ू वाड़ू से। हाँ। या उसमें रहा थोड़ा बांध के। हाँ। उसमें हलेना। हाँ। बाहर से चिपका दिया जाए। अच्छा। उसके बाद में थोड़ा सा मिट्टी डाल। अच्छा, दिया जाए। क्यारी नुमा बना ले, क्यारी नुमा। हाँ। मतलब उसमें पैर ना लगने जी, पाए जी, और उसको सावधानी पूर्वक चिपका। हाँ, दिया जाए, चिपका दिया जाए। उसके बाद में 4-5 दिन बाद थोड़ा सा सिंचाई कर दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि का मतलब सिंचाई कर देने से ये होता है कि नमी बरकरार रहती है, नहीं तो जो अंकुर जमता है उसमें का मतलब सूख जाता है। तो 4-5 दिन बाद सींच दिया जाए पहला पानी, दूसरा पानी मान लीजिए रहा 10-15 दिन में। ठीक। तो ये 1 महीना से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है बेरन। बेरन। हाँ। अच्छा, ये बेरन का प्रोसीजर था। हाँ, जी जी जी, बेरन। ये अभी बेरन आपकी तैयार। हाँ, हो जाएगी। हाँ, पड़ गई है महीने भर में। नर्सरी पड़ गई आपकी। हाँ, वो काम लग। अच्छा, तो मान लीजिए कि इसका सही समय वही फरवरी। हाँ। 15 से लास्ट फरवरी तक लग जानी चाहिए। 15 से लास्ट फरवरी तो वही 15 जनवरी को लगभग ये बेरन भी पड़ जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में 15 जनवरी से यानी कि 15 फरवरी से लास्ट फरवरी तक। हाँ, लग ये लगना। हाँ, लगे मेन समय इसका यही है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन कुछ लोग मान लीजिए थोड़ा लेट कर देते हैं, पिछेती खेती। हाँ, पिछेती में कर देते हैं तो ये लास्ट जनवरी में डालते हैं। या कहा मतलब 5 फरवरी या 10 फरवरी को डालते हैं तो ये फिर वही मार्च में लग पाती है। तो मार्च में लगने से थोड़ा ये होता है कि कहा मतलब उसमें आपको रहा वो ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि कहा मतलब पैदावारी में आपको थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा। और ये मान लीजिए भैया 3 महीना 75 से 90 दिन में कट जाती है। अच्छा जी, इसका। अच्छा ठीक है, ये तो 75 से 90 दिन में कटती है। हाँ हाँ। लेकिन जैसे हम इसको लगा दिए तो लगाने की विधि क्या है? मतलब कैसे लगाते हैं, नाली बना के लगाते हैं या एक तरफ से लगाते हैं? नहीं नहीं, इसको सूखी जमीन में लगाते हैं, गीली जमीन में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? नहीं तो इसको ऐसा किया जाता है कि क्या मतलब रहा या कल्टीवेटर से जोता दिया जाए। अच्छा, 2 बाँ। हाँ। और नहीं तो अगर मान लीजिए कल्टीवेटर से थोड़ा ढीला रहता है, रोटावेटर से 1 बाँ करवा दीजिए,
खेत थोड़ा सेट हो जाए, अच्छा, बन जाए, अच्छा, पानी भर दिया जाए, तो पानी भर दिया जाए, उसके बाद में फिर इसको लगा दिया जाए। तो ये एक तरफ से, हाँ एक तरफ से, अच्छा जैसे वो धान का बिरवा लगाते हैं उसी टाइप से? नहीं नहीं भैया, इसको कांगला मान लीजिए कि 1.5 फुट लंबाई हो, 1.5 फुट चौड़ाई, अच्छा उसके चारों तरफ 1.5 फुट का गैप फासला होना चाहिए, फासला होना चाहिए चारों साइड में, चारों तरफ 1.5-1.5 फुट। अच्छा ज़्यादा विकास करता है? हाँ विकास ही ज़्यादा होता है इसमें, बहुत कल्ला निकलती है, कल्ला ज़्यादा निकलती है, शाखाएँ ज़्यादा, कल्ला ज़्यादा, सही बोल रहे हैं। तो 1.5-1.5 फुट पे लगा देना चाहिए, उसके बाद में इसकी दवा आती है, लगाने के बाद पानी पूरा प्राप्त होना चाहिए, भरा होना चाहिए पानी। तो चाहे आप टॉप स्टार डाल दीजिए जो धान में पड़ती है, छिड़काव होता है? नहीं छिड़काव नहीं, बस पानी के घोल बना के एक पेप्सी के डिब्बे में ऐसे डाल दीजिए। अच्छा टॉप स्टार, टॉप स्टार पेंडा, पेंडा मेथान। अच्छा किसान भाई, टॉप स्टार और पेंडा मेथान, हाँ, तो ये दो दवा है जो लिक्विड है? हाँ लिक्विड है। इसको पानी में घोल बना के उस पेप्सी या किसी प्लास्टिक के बोतल में लेके, जिसका प्लास्टिक ढक्कन हो उसमें छेद करके और छिड़काव कर देते हैं पानी, तो इससे खरपतवार नहीं होता। अच्छा खरपतवार से बचाव के लिए, तो उसके बाद में आप मान लीजिए कि 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद ये पूरा जड़ पकड़ ले, थोड़ा उसमें वो आ जाए, तो उसकी एक गुड़ाई करवा दी, गुड़ाई करा दी, एक गुड़ाई करवा दी, उसके बाद में फिर 1 महीना से 1.25 महीना पर दोबारा फिर अगर हो सके किसान भाई से मतलब कर पाए तो एक गुड़ाई और करवा दी। अच्छा ये दो गुड़ाई करवाने से उसका ज़मीन का अच्छा वो बन जाता है कांगड़ा, तो उसमें तेल का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। दो अच्छा गुड़ाई करवाने से कितनी गुड़ाई ज़्यादा आवश्यकता है इसके? बस ज़्यादा ज़्यादा दो गुड़ाई, हाँ। और फर्स्ट में कांगड़ा वो तो मान लीजिए फर्स्टों में रहा वैसे हो जाएगा, लेकिन दूसरी गुड़ाई करने पर ज़्यादा फायदा मिलेगी। आप मतलब प्रसाद जी जैसे गुड़ाई मैक्सिमम दो गुड़ाई, ज़्यादा ज़्यादा, हाँ ज़्यादा ज़्यादा। तो इसमें कुछ खाद वाद की भी आवश्यकता पड़ती है? खाद इसमें मान लीजिए कि कांगड़ 10 किलो डी ए पी, वो कैसे पड़ती है मतलब वो कितने तो समय पे? वही लगाते समय। अच्छा लगाते समय 10 किलो डी ए पी डाल दें, हाँ। उसके बाद में फिर वही वो यूरिया, यूरिया 5 किलो यूरिया, 10 किलो डी ए पी, 5 किलो यूरिया, नहीं यूरिया बाद में डालना। अच्छा यूरिया डी ए पी जो है लगाते समय डालना, लगाते समय उसी खेत में छिड़काव कर देना, हाँ, है, हाँ, तब इसको, हाँ, लगाना है। जी जी। और ये यूरिया पहले गुड़ाई के बाद? नहीं ये मतलब हाँ पहले गुड़ाई के बाद में, दूसरे बाद जब सींचने के समय, हाँ, सींचने के पहले डाल दिया जाए या बाद में डाल दिया जाए? मतलब ये 5 किलो, 1 बीघे में 5 किलो का? नहीं 1 बीघे में मान लीजिए 10 किलो यूरिया, 10 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक, 1 किलो जिंक और 1 किलो सल्फर, अच्छा डाल दिया जाए। अच्छा इसको सब मिक्स करके, हाँ, इसका छिड़काव कर दें, हाँ, छिड़काव कर दिया जाए। उसके बाद में फिर जब दूसरी गोड़ाई हो जाए, तो लास्ट में काटने के 15 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बार गुड़ाई के बाद जब काटना है, उसके 15 दिन पहले काटने के 15 दिन पहले आप फिर एक बार 10 किलो यूरिया आपको और डालना है, उसके बाद में फिर काट के। अच्छा तो इसकी कोई पहचान है क्या कि अब फसल तैयार हो गया, अब हम कैसे काटें इसकी? इसकी मेन पहचान होता है जो फूल निकलता है। अच्छा, फूल भी आते हैं इसमें? जैसे कि आप देख लीजिए, हाँ, जैसे कि ये फूल, इसमें जब फूल खेत में दिखाई पड़ने लगे, हम अपने किसान भाइयों को दिखा दें, देखिए इसमें ऐसे फूल आ जाए तो समझो ये फसल तैयार है, मतलब काटने के। जी जी ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है, पत्तियाँ मोटी हो जानी चाहिए और फूल कहीं कहीं मान लीजिए खेत में मतलब जैसे 20% दिखाई पड़े, समझ लो फसल तैयार है। तो इसको काट के क्या करने का? काट के इसके बाद में रात दूसरे दिन इसको फेर लीजिए, दूसरे दिन, हाँ, टंकी लेट नहीं करते क्या? नहीं लेट मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन, लेकिन इसको बिल्कुल फैला दिया जाता, अच्छा, है, क्योंकि इसमें बहुत वो होती है कांगड़ा, इसमें भाप अगर, हाँ, ज़्यादा कांगड़ा गान दिया जाएगा, उसमें ज़्यादा होती है, हाँ, तो फिर वो भाप, गर्मी होती है, भाप से इसका तेल निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब खुला चाहिए, ठंडा पन मिले, हाँ हाँ, गर्मी से तेल निकलता है इसका और जब गर्म होएगा तेल निकल के बाहर ज़मीन में समा जाएगा, हाँ, ऊपर। तो इसको गांव में टंकी लगी रहती है, अच्छा अच्छा, इसकी पेराई हो जाती है, हाँ।
ये मतलब पेराई होती है या पकाई होती क्या होती? अरे वही मान लीजिए पकाई, अच्छा पकाई होती है, पकाई जाती है, उसको बंद करके उसका पूरा ढक्कन सिस्टम सब बंद करके और उसको पका लेते हैं। अच्छा, तो हाँ आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, तो एक टंकी में कम से कम 6 लीटर और जिसका जैसे सिस्टम सही रहेगा, अच्छा वो काम मतलब मेहनत करे रहेंगे, अच्छा तो, फसल जैसा रहेगा। हाँ, तो वही मैं पूछने वाला था तो, कि कम से कम 6 लीटर कम से कम, कम से कम, और अगर फसल अच्छी है मतलब पत्तियां ज़्यादा है ना। अच्छा हौसला प्रसाद जी, जैसे इसका तेल हम लोग निकाल लिए जी जी, तो इसको बेचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में कहीं भी आप बेच सकते हैं। अच्छा, हरदम काम लगे, एनी टाइम जब चाहें तब बेच सकते हैं। अच्छा, अपने नज़दीकी मार्केट में? हाँ हाँ, इसके हर जगह मार्केट में इसकी दुकान रहती है। अच्छा, खरीदने वाले हाँ रहते हैं। अच्छा, आसानी से बिक जाती है? बहुत आसानी से, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, तुरंत डाली जाए। अच्छा, 1 लीटर का मिनिमम रेट क्या मिलता होगा? कम से कम 1000। कम से कम 1000? हाँ, इस समय तो कांगलब 1600 रेट चल रहा है। अच्छा अच्छा, और तब की बार कांगलब ये 2200 रुपये तक गई थी। तो जैसे कि 1 बीघे में लगभग कितना लीटर निकल आता होगा? 1 बीघे में कांगलब कम से कम 8 लीटर, 8 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लीटर, 12 लीटर 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 12 लीटर आप निकाल सकते हैं। बस बस, ज़्यादा ज़्यादा 12, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? इससे ज़्यादा अब नहीं तो करने वाले कम बेस थोड़ा सा मतलब 12 लीटर पकड़ के चलो। अच्छा ठीक, और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? इसके बारे में हमको ना पता हो, किसान भाई को ना पता हो, कोई नई बात? नई बात ये मान लीजिए इसकी एक कटिंग हो गई। अच्छा, दूसरी कटिंग फिर कर सकते हैं? अच्छा, ये काम मतलब अच्छा जुलाई का है, कटिंग कर लो। हाँ, तो इसी से इसको रखे रहेंगे, कर ले आएंगे। हाँ, दूसरी कटिंग भी करेंगे? हाँ, दो फसल लेंगे। हाँ, दो फसल आप वही 75 से 90 दिन 80 दिन जैसा आप देख लीजिए उसका फूल कहीं कहीं दिखाने में, कम से कम 70 दिन के पहले नहीं करती है। अच्छा। हाँ, मिनिमम 70 दिन हाँ, आपको इसकी देखभाल करना है। अच्छा, तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे पहले गुड़ाई और खाद का, फिर दोबारा जब कटेंगे फिर भी वही गुड़ाई और खाद? नहीं, दोबारा आपको कुछ नहीं, गुड़ाई वुड़ाई कुछ नहीं करना है। अच्छा, बस ये मान लीजिए उसमें थोड़ा थोड़ा खर पतवार आ जाता है, खर जामता है बरसात में, जैसे धानों में जाम जाता है, तो इसमें फिर वो दवा पड़ेगी। खर कहीं कहीं रहेगा तो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए 4 इंची 6 इंची तक हो जाए। हाँ, तो इसमें एक दवा आती है टारगेट, टारगेट, टारगेट दवा। अच्छा, टारगेट दवा है जो दूसरे लेव में खर पतवार हो जाए उसको नष्ट करने के लिए मशीन से छिड़काव की जाती है। मशीन से छिड़काव करते हैं? हाँ, उसको खर पतवार नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये अजमाई चीज बता रहे हैं। इसमें खाद की आवश्यकता नहीं है? नहीं, तो खाद दोबारा डालना पड़ेगा भाई, यूरिया जिंक सल्फर, यूरिया जिंक सल्फर वापस इसमें डालना पड़ेगा एक बार, वही का मतलब कटिंग के 20 दिन पहले। अच्छा, 15-20 दिन पहले, बस 1 बीघे में वही 10 किलो। अच्छा, दूसरे लेव की जब कटिंग करना है उससे 15-20 दिन पहले आप मतलब ये खाद का छिड़काव कर दें? हाँ, कर दिया जाए। ठीक, तो ये दो कटिंग हो गई। हाँ, उसके बाद में अच्छा ये जो दूसरी कटिंग कर लिए जी, फिर इसके जड़ वड़ जो है इसका वो कुछ काम आता है, फिर जुतवा देते हैं? अगर आपको नहीं जरूरत है, मान लीजिए कोई बिजनेस जैसे हम लोग तो ऐसे करते हैं बिजनेस के तौर पे, उसको 2 महीना वैसे रोक दिए जी, 2 महीना रोक दिए, तब उसमें कांगलब जड़ मार्केट में उसको कांगलब खुदवा के या कल्टीवेटर से जुतवा के बिनवा लेते हैं। अच्छा, मार्केट में जड़ भी 20 रुपये 30 रुपये 25 रुपये 15 रुपये, कम से कम 15 रुपये जड़ बिकती है। अच्छा अच्छा, मतलब 2 महीने बाद उसको जुतवा के या खुदवा के दिसंबर में कर लेंगे? दिसंबर में इसकी खुदाई होती है। हाँ, दिसंबर से जनवरी तक खुदवा के, तो दिसंबर में जड़ इकट्ठा करके आप मार्केट में इसको बेच देंगे? हाँ, मार्केट में, और वैसे अधिकतर किसान लोग, अच्छा किसान भाई खेत से भी ले जाते हैं, दूसरे किसान भाई जो लगाने हैं उनको, तो वो पूरी आपकी जड़ बिक गई। हाँ, उसके बाद में फिर उसमें आप वैसे रहने दीजिए, लाभ लेना हो तो, नहीं तो आप गेहूँ जो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो उसको सिंचाई पुताई करवा दीजिए, उसी में वो जो अच्छा जो जड़े रहेंगे वो फिर से वो जाम जाएंगी। अरे वाह, बहुत आसान हो जाता है फिर तो उसको कहूँगा आप मार्केट में बेरन बेच लीजिए। बेरन, अच्छा बेरन बेच लेंगे, बेरन तैयार हो, बेरन बिक जाएगी। उसके बाद में फिर आप वहाँ फिर बिरर बिरर उसमें राख दीजिए, एक एक हाथ पे 1.5-1.5 फुट पे फिर राख दीजिए, तब उसमें कहूँगा फिर आपको कटिंग करके तेल भी निकल जाएगा। अच्छा, तो जैसे
लोग तो कहते मतलब इसके अंग अंग में पैसा छुपा है, अंग अंग में, आम के आम, गुठलियों के। सही कहा भैया, आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ, तो इसमें कांगड़ा लाभ लेने वाले इसके हाँ, जड़ से लेके फूल तक पैसे पैसा है, पैसा पैसा है। इसे हम लोग तो कोई नए किसान तो है नहीं, 20 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। अच्छा, कितना कितना लगाए हैं आप इस बार? इस समय तो 2.5 बीघा लगाए हैं। 2.5 बीघा, आप तो देख रहे हैं, फोटो आप ले रहे हैं, उसमें 2.5 बीघा तो अच्छा उसमें लाभ है। और भी जानकारी आप किसान भाई जिसको मान लीजिए नहीं होगी या भूल जाएंगे तो आप उसमें